नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 19 अक्टूबर यानी आज से धोनी के होम ग्राउंड रांची में खेला जा रहा है। यहां के पिच को स्पिनर्स की मददगार माना जा रहा है, इसलिए कुलदीप का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अभ्यास सत्र के दौरान कुलदीप चोटिल हो गए, जिस वजह से टीम में 2018 में T20 डेब्यू करने वाले शाहबाज नदीम को इस मैच में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला है। नदीम पूरे दौरे पर टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। नदीम भारत की ओर से टेस्ट खेलने वाले 296वें खिलाड़ी बन गए हैं। बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला, जिन्हें चाइनामैन कुलदीप यादव के कंधे की चोट के कारण बाहर होने से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। नदीम झारखंड और भारत ए के लिए कई बार शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। ये गेंदबाज झारखंड के लिए लगातार सत्र में 50 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुका है। 30 साल के इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 110 प्रथम श्रेणी मैचों में 424 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 19 बार वो 5 विकेट जबकि 5 बार 10 विकेट हासिल कर चुके हैं। 45 रन देकर 7 विकेट इस गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नदीम के इसी जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत उन्हें टेस्ट टीम में चुना गया है। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने BCCI विज्ञप्ति में कहा, नदीम को शामिल करने का फैसला कुलदीप यादव के शुक्रवार को बाएं कंधे में दर्द की शिकायत के बाद लिया गया। वर्ष 2018 में नदीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें मैच में नहीं खिलाया गया। अब ये देखना होगा कि नदीम कैसा खेल दिखाते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ आप तभी टिक सकते हैं जब आप टीम को निरंतर प्रदर्शन करके दिखाएं। अगर नदीम को टीम में अपने पांव जमाने हैं तो कुलदीप यादव से बेहतर खेल दिखाना होगा।